भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा निर्णायक मैच आज कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज फिलहाल एक एक की बराबरी पर है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी बल्लेबाजी है। 9 अहम खिलाड़ियों के आइसोलेशन में जाने के बाद टीम के पास सिर्फ 5 बल्लेबाज ही बचे हैं। कप्तान शिखर धवन को इस मैच में भी उन्हीं के साथ उतरना होगा। वहीं पिछले मैच में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी चोटिल हो गए थे, इसकी वजह से अर्शदीप सिंह या ईशान पोरेल ने किसी एक को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार 6वीं द्विपक्षीय T20 सीरीज जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तक एक बार भी श्रीलंका के द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच इससे पहले 7 T20 सीरीज खेली गई है। इसमें भारत ने 6 सीरीज जीती है। 2009-10 में हुई सीरीज एक एक से ड्रॉ रही थी, इसके बाद से टीम इंडिया ने सभी सीरीज जीती है। इधर भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है। उसने 24 जुलाई 2019 से लेकर अब तक 29 मैच खेले हैं। इनमें से 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है। टीम को 7 मैचों में हार मिली और 2 मैच टाई रहे। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। टीम इंडिया अपने पिछले 6 T20 मैचों में से 4 मैच जीत चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।